है कहाँ वो ओल्ड चौक पर अभी एक्सीडेंट है। ओल्ड चौक पर लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं आप हमारे साथ, ये ड्रिंक करने के कारण हुआ। जैसे पुलिसकर्मी जो यहाँ पर हैं उन्होंने कहा कि ड्रिंक हुई है, ड्रिंक करने के कारण ये हुआ है। कौन से? हाँ जी, आप लोग का गाड़ी आप लोग चला रहे थे? कौन चला रहा था गाड़ी? ये गाड़ी किसकी है आप लोगों को नहीं पता? ये हाथ चोट तो आप लोगों का आई हुई है चोट। ये देखे, एक तो ये गाड़ी और एक इसके बिल्कुल दूर लगभग 50 मीटर दूर खड़ी होगी एक ब्लू कलर की मारुति के। इतना दूर एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, गाड़ी वाले कोई नहीं है इसमें? अरे यार ना, ये लड़के वो जा रहे ना, खून होने को लगे हुए दोनों बैठे बोल। अरे वो जा रहे ना गाड़ी वाले, वो बैठ के वो जा रहे ना, वो उनको खून तो लगे हुए हैं। खोलने जा रहे एक बार, ये खोलना है गाड़ी खोलना है, इसमें ग्लास वगैरह पड़े हैं। आप हट जाओ, आप हट जाओ, पुलिस को खोलने दो ना, आप हट जाओ। ये ग्लास, पेप्सी की बोतल, एयर बैग खुल गए, इस वजह से भी जान बची। एयर बैग तो उस गाड़ी का भी ओपन हुआ था। गाड़ी जब दारू है आज रहा चाहिए, एक से बच तो गए, ये तो बच गया, पीछे हुए एक्सीडेंट हुआ उसमें चार चोट लगी। हाँ एक सेकंड, रामेश्वर जी, एक सामाजिक आप कार्यकर्ता हैं, इस तरीके के जो एक्सीडेंट होते हैं उन पर कुछ आप कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे जनता से? थोड़ा तेज बोलिएगा। देखिए आज त्योहार का दिन है, मैं तो जनता से, अभी भी काफी लोग शाम होनी है, लोग बाग इधर उधर निकल रहे हैं, मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूंगा कि इस टाइम स्पीड को अपनी को कंट्रोल में रखें। ये दिख रहा है कि ओवर स्पीड कहीं ना कहीं ये गाड़ी रही होगी, तो सभी से अपील करना चाहता हूँ मैं कि भाई सब धीरे से चलाएं, त्योहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं, इसको नाजायज तरीके से किसी और को भी नुकसान क्षति ना पहुंचाएं, स्वस्थ रहें। और खास तौर से कोविड की जिस तरीके से महामारी अभी और बढ़ने लगी है उसमें अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और चलिए रामेश्वर जी हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी फरीदाबाद के, उन्होंने कहा है, अपील की है कि इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए नशे आदि का सेवन ना करें, रोड पर चलते समय ध्यान रखें, क्योंकि सारा खेल है रोड पर चलते तेज गति से गाड़ी ना चलाएं, जैसा कि इनका मानना है। तो आप सभी ये कार्यक्रम सहमत हो तो कृपया शेयर जरूर करें, धन्यवाद। कुछ पुलिसकर्मी आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप देखिए, और पीछे वो देखिए, वो गाड़ी के साथ एक्सीडेंट है। हाँ पलट के आइए, पलट के, हाँ ये वहां से आइए, रगड़ती हुई ये देखिए, लगभग 500 मीटर, लगभग 50 से 100 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी, इसके साथ एक्सीडेंट हुआ इसका। चल जाता है, तुम समझे ना, जो आते हैं आराम से, हमको चलानी ना आती तो हम तो आराम से आ रहा हुआ, तो हम हमारे पीछे गाड़ी हमें ठोकी तो आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट की है जो पीछे से आप गाड़ी ठोकी उन्होंने? नहीं बाबू जी, हमें तो समझ लिया, जब तक उतनी देर में पुलिस आ गई, पुलिस आ गई थी। नहीं आपने पुलिस को शिकायत दी है क्या इस मामले में? हाँ जी बाबू जी, इस मामले में कोई पुलिस को शिकायत दी है आपने? अब मैं बाबू जी कर रहा हूँ, मेरी चाची है वहाँ पे सुप्रीम, या क्या बोलते हैं, 12 सेक्टर कोर्ट में 571 नंबर चेंबर है। अच्छा चलो, है ना,
लीगल एड ये भग गए हैं भाजी, ये पीछे से पुलिस टीडीआई आई है एक, उसमें बैठ के भग गए हैं। एक पुलिस टीडीआई आई है सफेद रंग की, उसमें तीनों बैठे हैं, इनने अपनी सामान जो उठाए हैं फोन उठाए हैं भग गए सीधा। कोई बात मैंने भाजी मेरी गाड़ी ठुकी है, लेकिन जब भी सबसे पहले आया हूँ देखने के लिए कि बाबूजी जिंदा हैं। चलो कोई बात नहीं, आप होपलेस ना हो, पुलिस की सहायता लें और आप घर पहुँचा। आप सही हो, आप सारे बाबूजी आप आराम से जाएं। हम तो सही भाई, चलो होपलेस ना, पुलिस अच्छा सहयोग करेगी, गाड़ी बन जाएगी पर इंसान नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, आप सही हो।